नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। सांची, आज घोषित हुए सांची नगर परिषद के परिणामों में भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। यहां 15 में से 12 वार्डों में भाजपा, एक वार्ड में कांग्रेस और दो वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं। इसी के साथ सांची नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, जो जनकल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और अपितु पूरे देश में काम कर रही है, ये उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन कैंडिडेटों को सैंबल दिया था, कमल का फूल जिनका सैंबल था, वो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के फोटो को देखकर मतदाताओं ने वोट दिया है। एक एक गरीब आदमी, जिनकी किस गरीब ने कल्पना नहीं की थी कि मेरा घर प्रधानमंत्री बनवाएंगे, किसी गरीब ने नहीं सोचा था कि मेरा शौचालय प्रधानमंत्री जी बनवाएंगे, किस गरीब ने सोचा था कि मेरी बेटी का विवाह कन्यादान योजना से मुख्यमंत्री कराएंगे। ऐसी जनहितैषी योजना जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है, तो जरूर ही आज सांची नगर में 15 में से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आए हैं और हम शीर्ष नेतृत्व को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके चेहरे के कारण हम सब पार्षदों की जीत हुई। मुख्य रूप से क्या मुद्दे रहे हैं जिनने प्रभावित किया है चुनाव को? मुद्दे कुछ नहीं थे, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल था। सामने विपक्ष था नहीं, कांग्रेस पहले ही हथियार डाल चुकी थी बहुत सारे वार्डों में, तो उनका सामने आना भी नहीं हो पाया। कुछ वार्डों में हुआ था तो वहाँ वो एक वार्ड वो जीत पाए हैं, वो भी किसी मिली भगत के कारण जीत गए होंगे, नहीं वो वार्ड भी नहीं जीत रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे नगर में बहुत ऐतिहासिक मतों से जीती है। हम सांची नगर के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिनने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भेजा। क्या चुनौतियां रहेंगी अब सांची नगर में? जैसा चूंकि सांची का नाम है, सांची वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जाना जाता है, विश्व पर्यटक सांची है, इसको सांची को जैसा इसका नाम है वैसा मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके लिए सरकार से भरसक प्रयास किया जाएगा। हम सभी पार्षद एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के सभी सरकार के पास जाएंगे और सरकार से सांची को सुंदर शहर बनाने के लिए, जो इसके नाम जैसा सुंदर शहर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि उसके अनुरूप राशि आए, सांची में अच्छा सुव्यवस्थित बस स्टैंड हो, सांची में भव्य नगर पालिका का भवन हो जिसमें कि सांची नगर के लोग आ सकें तो उन्हें बैठने की और तमाम सुविधाएं उनको मिल पाएँ। ऐसी जिन जिन वार्डों में रोड और नाली की समस्या, उन रोड और नालियों को विकास कराएंगे, जहाँ शमशान घाटों को व्यवस्थित नहीं हो पाए उनको व्यवस्थित करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम इस नगर में होना है जो कि हम लोग करेंगे। मैं बलराम मालवी वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी था, जो मुझे अभी जीत प्राप्त हुई है। मैं सभी वार्ड वासियों का और नगर के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नगरीय निकाय चुनाव 2022 सांची नगर परिषद के लिए 13 तारीख को मतदान हुआ था। आज उसकी मतगणना का कार्य सुबह 9 बजे से प्रारंभ किया गया और शांतिपूर्वक हमारा यह कार्य मतगणना का समापन हो गया है। हम इसके बाद कुछ समय बाद परिणाम घोषित किए हैं। कितना सुरक्षा और क्या पुलिस की त्रिस्तरी संरक्षण व्यवस्था की गई थी। 3 लेयर में पुलिस सुरक्षा थी, गेट पे थी, उसके बाद बाहर थी और स्ट्रांग रूम के ठीक सामने थी। और सभी का अच्छा सहयोग रहा, सभी आम नागरिक, सभी मीडिया साथियों ने सभी ने अच्छा सहयोग किया और मतगणना भी परिणाम कब तक? परिणाम 2 घंटे के भीतर परिणाम। वार्ड नंबर 13 से आप जी क्या मुद्दे रहे हैं और क्या विजय श्री भाजपा ने ऐतिहासिक रूप में वार्ड नंबर 13 बहुत शिक्षित नगर परिषद के शिक्षित वार्ड और वहाँ विकास की बहुत संभावनाएँ हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ लोगों ने प्रत्याशी विकास के पैमाने पर उन्हें कौन योग प्रत्याशी बन आया जो इस क्षेत्र का विकास कर सकता है, उन्होंने आधार बना करके मुझे अच्छी बनाया। इसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयन के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी? ये तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चयन की नीति तो पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी हम सब मिलकर के उसको विजय बनाएंगे, समर्थन देंगे और विजय बनाएंगे। नाम बताइए। मैं सुनील जैन, मेरी पत्नी निर्मला जैन यहाँ से पार्टी से प्रत्याशी निर्वाचित हुई। भाजपा ने ऐतिहासिक विजय श्री हासिल की, क्या क्या मानते हैं? भाजपा सांची नहीं, हर जगह भाजपा ही भाजपा है। भाजपा काम कर रही है, जमीन पे काम करती है, इसलिए भाजपा हर मोहल्ले हर गली में आपको सिर्फ भाजपा ही दिखेगी। आप
क्या मुद्दे क्या रहे थे? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से, तो कहा है सब वो तो हवाई वाले भी बातें कर रहे थे, लोग कहा है उड़ा रहे थे वो पॉकेट में कि जे ऐसा हो रहा है, जे गड्ढे हो रहे हैं, ये हो रहा है। भाई विकास किया है हम लोगों ने और विकास जमीन पे दिखा है, इसलिए पब्लिक ने हमें चुना है। किन को मानते जीत का श्रेय किसको देते? भारतीय जनता पार्टी है हमारे, तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पे का काम करती है, गरीबों के हित की योजना चल रही है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की जीत मानते हैं। अध्यक्ष पद के लिए अब क्या तैयारी? वो पार्टी तय करेगी इसका, हम लोग कोई जिसको पार्टी तय करेगी उसके लिए हम खड़े रहेंगे। सांची से खबर समय जगत के लिए जगदीश महतो की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.